सर, जब शुरुआत में आनंद सर ने हम लोगों को ताजमहल बनाने के लिए कहा तो हम लोगों को लग रहा था कि थोड़ा सा मुश्किल टास्क होगा, मतलब कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि यार जिसने भी ताजमहल बनाया वो भी इंसान था, तुम लोग भी बना सकते हो। तो उससे हम लोगों को एक मोटिवेशन मिला और हम लोग इसकी डिज़ाइनिंग की तरफ गए। डिज़ाइनिंग में हम लोगों ने इसका स्टडी किया, लगभग हम लोगों को एक महीने का समय लगा उसकी पूरी स्टडी करने में। उसके मेज़रमेंट्स हम लोगों ने उठाए, इंटरनेट के थ्रू लिए, कुछ फिज़िकल मेज़रमेंट्स लिए, कुछ फ़ोटोग्राफ्स लिए, और ये सब चीज़ों की स्टडी करने के बाद में फिर हम लोगों ने उसका प्लानिंग के ऊपर काम शुरू किया। लगभग एक महीने का समय लगा जिसमें हम लोगों को ऐसा लगा कि हम लोग शायद ताजमहल बना सकते हैं, और फिर उसके ऊपर हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। कितना समय लगा? देखिए, ये प्लानिंग होने का, इसके निर्माण के अंदर हम लोगों को लगभग 2 से 2.5 साल का समय लगा। उसमें जो टीम हम लोगों के साथ काम कर रही थी, इसमें हमारे ये कॉन्ट्रेक्टर है मुश्ताक भाई, जिन्होंने इसको मूर्त रूप दिया नीचे से ऊपर तक लाने में, नरेंद्र है साइड इंजीनियर थे जो साथ में लगे रहे उस चीज़ के अकॉर्डिंगली काम करने के लिए, और भी टीम हम लोगों ने हायर की स्ट्रक्चर के बाद में प्लास्टर वर्क के बाद लिए, जो कार्विंग स्ट्रक्चर में ओरिजिनली है, जो ताजमहल से हम लोगों ने इसे 3 गुना छोटा बनाया है, और ताजमहल के ऊपर जो वर्क हुआ है कार्विंग वर्क वो स्टोन में हुआ है, हम लोगों ने सीमेंटेड कार्विंग वर्क इसके अंदर किया था। उसके लिए हमने एक टीम इंदौर से हायर की, एक टीम हम लोगों ने बंगाल से हायर की। उसके बाद जब स्टोन की बारी आई, पत्थर की बारी आई, तो वाइट स्टोन हम लोगों ने मकराना से लिया, कारीगर उसकी फ्लोरिंग के लिए जो टीम आई वो टीम मकराना से आई। देन उसके अंदर जो इनले वर्क हुआ है, जो अंदर ज़मीन में इनले किया है, उसके लिए आगरा से टीम बुलवाई, जो सीप के मटेरियल को लेकर उसके अंदर इनले की कारीगरी की गई। इसके साथ साथ जो फर्नीचर का और इंटीरियर का वर्क हुआ उसके लिए मुंबई और सूरत से टीम हम लोगों ने हायर की और उसको इम्प्लीमेंट किया, फिर वो कम्प्लीट हुआ। क्षेत्रफल बताइए थोड़ा। अगर हम बात करें, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं मीनार सहित, ये 90 फीट बाय 90 फीट का है, और जो बेसिक स्ट्रक्चर है जिसे हम ताजमहल का जो बेस है वो है, वो 60 फीट बाय 60 फीट का है। और इसमें हम लोगों ने जो यूज़ किया है टेक्निक का, इसमें डबल वॉल हम लोग लेकर चले हैं, बीच में से पाइप्स और इलेक्ट्रिक की जितनी भी लाइन्स है उसके बीच में से हम लोग लेकर चले हैं। तो आप बात करें तो ये 60 फीट का बेसिक स्ट्रक्चर है, और उसकी हम हाइट की बात करें तो वो लगभग 26-27 फीट का उसका डोम है, और उसके नीचे 30 फीट का स्ट्रक्चर है, तो ओवरऑल हाइट इसकी 56 से 60 फीट होती है। असल में इतिहास बताता है कि मुमताज़ की मौत बुरहानपुर में हुई थी, और ये जो स्कूल परिसर में हम खड़े हैं वहाँ करीब 17 स्टेट के 1700 बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। वो पेरेंट्स जब भी इस छोटे शहर में आते थे तो पूछते थे कि भाई बुरहानपुर क्यों फेमस है, क्यों फेमस है। तो उस ज़माने में किसी टेक्निकल रीज़न से ताजमहल नहीं बना था, तो हमने अपने घर को ताजमहल का रूप देकर बनाया है। कितना समय लगा और कितनी आपको जद्दोजहद लगी? नहीं, इसमें जो भी मार्बल वगैरह है वो प्योर है, मकराना का है, चूँकि नया है तो ये ज़्यादा सफ़ेद दिखता है, और बाकी कोई जद्दोजहद नहीं। आजकल कारीगर बहुत अच्छे मिल जाते हैं, ज़्यादातर टीम बुरहानपुर की थी, केवल जो इल्ले वर्क है वो आगरा के लोगों ने आकर किया था। जो आपकी इंजीनियरिंग टीम है उन्होंने हमको बताया कि हम तो बहुत यानी इसको पोस्टपोन कर रहे थे, लेकिन आनंद सर की ज़िद की वजह से ये ताजमहल बन पाया है। हाँ, मकान एक बनाना था, मुझे लगा डिफरेंट कुछ करें, और निश्चित रूप से आदमी अपने परिवार को, पत्नी को ही ज़्यादा प्यार करता है, तो उनको ही मैंने कहा एक गिफ्ट हो जाएगा मकान के रूप में बस। क्या है घर में, क्या कितने कमरे, क्या क्या उसमें आपने? एक हॉल है, किचन है, 4 बेडरूम है, और एक ध्यान का कमरा है, केवल उतना ही है। बाहर से इंटीरियर पूरा जो ओरिजिनल ताजमहल है उससे 1/3 है, यानी ओरिजिनल ताजमहल में जो भी डायमेंशन मीटर में दिए हैं वो सारे इसमें फुट में है। उसकी मीनार 40 मीटर ऊँची है, इसकी 40 फीट ऊँची है, तो ऐसा 1/3 साइज़ का आप बोल सकते हैं इसको। देसी विदेशी पर्यटक भी आके देख रहे हैं हम। हाँ, बहुत। क्या रिएक्शन होते हैं? वो खुश होते हैं, बहुत सारे जो कम इनकम ग्रुप वाले हैं वो आगरा नहीं जा पाते तो वो यहीं आकर खुश हो जाते हैं। कुछ प्री वेडिंग शूट वाले बहुत आते हैं बार बार, क्योंकि नया नया जोश शादी का रहता है, तो उनको लगता है कि प्रेम का प्रतीक है ताजमहल, तो फोटो वोटो खींचते हैं। शाहजहाँ ने मुमताज़ की याद में बनाया था, आपने ये किसे गिफ्ट किया? नहीं, मेरी मुमताज़ ज़िंदा है और उसी को गिफ्ट किया है मैंने।